नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं पेटीएम में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, यानी अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कैसे आप अपने पेटीएम अकाउंट बनाएंगे और दोस्तों कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को पेटीएम में ऐड करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, सिर्फ यहाँ पर आप 2 मिनट के अंदर अंदर पेटीएम में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च बार में आपको यहां पे टाइप करना है पेटीएम लिख के, आपको क्या करना है यहां पे सर्च करना है। जैसे आप यहां पे पेटीएम लिख के सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पे आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा पेटीएम का एप्लीकेशन। बस क्या करना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। पेटीएम एप्लीकेशन का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना पेटीएम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको 100 रुपीज का आपको कैशबैक मिलेगा, यानी 100 रुपये का आपको कैशबैक मिलेगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके अपना पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से, आप देख सकते हैं, इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना गाइस, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेंगे। जैसे आप यहां पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद गाइस यहां पे आपको देखने मिलेगा मोबाइल नंबर। यहां पे क्या करना, आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। जो भी पेटीएम अकाउंट बनाना चाहते हैं जो नंबर को, उस नंबर को क्या करेंगे, यहां फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहां पे अपना नंबर को एंटर कर लेता हूं। यहाँ पे अपना नंबर को सही फिलअप करने के बाद देन आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा प्रोसीड। बस क्या करना, आपको इस प्रोसीड में आपको क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पे परमिशन को अलाउ करना होगा। यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा कंटिन्यू। बस क्या करना, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अलाउ। बस क्या करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। फिर से क्या करना, आपको दोबारा अलाउ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अलाउ में क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा व्हाइल यूजिंग द ऐप। बस क्या करना, आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप में क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा नो थैंक्स पे, आपको क्या करना, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे लोडिंग लेगा, आपको यहां पे कुछ सेकंड आपको यहां पे वेट करना है। उसके बाद आपका जो नंबर दिए उस नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, यानी वेरीफाई किया जाता है जो आपके नंबर पर लगा हो रहेगा मोबाइल नंबर। यहां देख सकते हैं मेरे यहां पे ओटीपी आ चुका है, यहां पे वेरीफाई किया जाएगा। बस आपको क्या करना, कुछ सेकंड आपको यहां पे वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से यहां पे इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद यहां पे आपको ऊपर साइड देखने मिलेगा स्किप करने का एक ऑप्शन, यहां पे आप देखेंगे ऊपर साइड स्किप। बस क्या करना, स्किप में क्लिक कर देंगे। जैसे स्किप में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा डू इट लेटर, आपको क्या करना, डू इट लेटर में आपको नीचे में देखने मिलेगा, क्लिक कर देना। यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद गाइस यहां पे क्या करना, आपको यहां पे नीचे देखने मिलेगा स्किप। फिर से क्या करना, आपको नीचे में स्किप में क्लिक कर देंगे। जैसे स्किप में क्लिक करेंगे, स्किप करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पेटीएम का होम पेज है वो ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले पेटीएम में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है, क्योंकि जब तक हम अपने बैंक अकाउंट को इसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक हम पेटीएम को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। पेटीएम में बिना बैंक अकाउंट ऐड किए ना तो हम किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही हम पैसे रिसीव कर सकते हैं। यानी आपको अपना पेटीएम में बैंक अकाउंट ऐड करना है। अगर ऐड नहीं करेंगे तो आप यहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो अपना यहां पे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए गाइस आपको करना है क्या कि सबसे पहले यहां पे आपको ऊपर साइड देखने मिलेगा आपका प्रोफाइल। यहां पे क्या करेंगे, इस प्रोफाइल में आपको ऊपर में क्लिक करना है। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहां पे आपको ऊपर देखने मिलेगा आपका मोबाइल नंबर, उसी के नीचे यहां पे आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ लिंक बैंक अकाउंट। बस क्या करना, आपको यहां पे देखने मिलेगा लिंक बैंक अकाउंट। बस क्या करना, आपको लिंक बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहां पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे आपको बहुत सारा बैंक आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, इनमें से आपका जो भी बैंक होगा यहां पे आपको सर्च करना है। यहां पे अगर आपको यहां पे नहीं देखने को मिलेगा तो आप क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहां पे आपको बहुत सारा बैंक देखने को मिलेगा, यानी आपको टोटल बैंक यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इनमें से यहां पे आपको बैंक अकाउंट यहां पे आपको नहीं देखने को मिलता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे आपको ऊपर साइड देखने को मिलेगा एंटर योर बैंक नेम। यहां पे क्या करेंगे, आपको सर्च करना है आपका जो भी बैंक नेम होगा, यहां पे सर्च करेंगे। जैसे मैं आपको यहां पे सर्च करके दिखाता हूं, जैसे मेरा स्टेट बैंक STAT स्टेट बैंक, यहां पे मैं स्टेट बैंक लिखा तो यहां पे देखेंगे मेरा यहां पे स्टेट बैंक यहां पे आ चुका है। तो यहां पे आप सर्च करके भी देख सकते हैं, वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मेरा यहां पे बैंक आ चुका है, बैंक आने के बाद क्या करना, आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा उसमें क्या करना, आपको यहां पे बैंक में अपना क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे वेरीफाई होगा, यहां पे देखेंगे कंफर्म हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। बस अब वो क्या करना, कुछ सेकंड वेट करना है। करने के बाद यहां पे देखेंगे कांग्रेचुलेशन योर बैंक अकाउंट हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, यानी मेरा बैंक अकाउंट जो है 100% यहां पे सक्सेसफुली यहां पे ऐड हो चुका है। तो यहां पे देखेंगे जो कि मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहां पे आपको
वन स्टेप आपको यहाँ पे क्या करना, बैक आ जाना। बैक आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे मेरा जो कि स्टेट बैंक यहाँ पे ऐड हो चुका है, देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट, यहाँ पे जो मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पे आपका सक्सेसफुली आपका जो पेटीएम है, पेटीएम का अकाउंट 100% सक्सेसफुली आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यानी बन चुका है। अगर आप और भी बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं अपने पेटीएम में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐड अनदर बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या करना ऐड अनदर बैंक अकाउंट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा बैंक आ जाएगा, फिर आपको जो भी बैंक अकाउंट ऐड करना उस पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से पेटीएम अकाउंट बना सकते हैं।